हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत गाइस। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द लेटरल एंट्री डिप्लोमा होल्डर्स। मतलब जो लोग लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं उनके बारे में कि वो कहां कहां पर एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का प्लीज कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सीधा स्टूडेंट्स, आपको आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि नंबर ऑफ कमेंट्स, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर लेटरल एंट्री वाले कहां कहां एलिजिबल, क्या वो यूपी पीसीएल के लिए एलिजिबल हैं, बिहार पीसीएल के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो पीजीसीआईएल के लिए एलिजिबल हैं, या फिर डीएफसीसीआईएल, मतलब जो भी जेई की वैकेंसी आती है वहां पर कमेंट जरूर देखने को मिल जाता है कि सर बताइए क्या लेटरल एंट्री वाले यहां पर एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम यही आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनको कहां कहां एलिजिबिलिटी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता देंगे अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको डिग्री मिलती है या फिर मार्कशीट मिलती है, वह डिप्लोमा का मिलता है, मतलब 3 ईयर्स डिप्लोमा। तो आपके मन में जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जहां पर अगर कोई डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है 3 ईयर्स डिप्लोमा, तो वहां पर आप भी एलिजिबल रहेंगे क्योंकि आपको वही डिग्री दी जाती है। लेकिन बात है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां 3 ईयर्स का डिप्लोमा का डिमांड है वहां पर आप नहीं फिलअप कर पाएंगे फॉर्म को, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता। आप अगर 3 ईयर्स डिप्लोमा है, चाहे लेटरल एंट्रेंस है या ए ग्रुप से है, हर एक वैकेंसी को फिलअप कर पाएंगे जो कि ए ग्रुप वाले फिलअप कर पाते हैं। मतलब जो 3 सालों का डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद किया है वह जितने फॉर्म को फिलअप कर पाएगा उतने फॉर्म को आप भी फिलअप कर पाएंगे जो कि लेटरल एंट्री से पास आउट हुए हैं, मतलब कि सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर का ज्ञान होता है आपको ऑलरेडी मिल गया होता है, ऐसा मान लिया जाता है, इसलिए आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। मगर जो आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा का होता है उस सर्टिफिकेट का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि ए ग्रुप वालों का सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। तो आई होप कि आपके माइंड में जो ये डाउट था, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बताइए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लेटरल एंट्री वाले यूपी पीसीएल में एलिजिबल हैं, क्या बिहार पीसीएल में एलिजिबल हैं, क्या पीजीसीआईएल में एलिजिबल हैं, डीएफसीसीआईएल में एलिजिबल हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो हम बता दें कि जहां ए ग्रुप वाले एलिजिबल हैं वहां आप भी एलिजिबल हैं विदाउट एनी डाउट। आई होप कि आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर जरूर बन जाइएगा क्योंकि इस चैनल पर अब कुछ ही दिनों में पीएलसी टीच करने वाले हैं और भी अदर सब्जेक्ट टीच होने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।